एक जनाजा जा रहा था, बहुत से लोग साथ में जा रहे थे। एक पठान भी जलसा समझकर जनाजे के साथ मिल गया। किसी ने कहा कलमा शहादत, खान बोला जिंदाबाद। उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर लिया था। बच्चा, और सर आपको पता है कि आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। अमरीकन वालदा, मेरी बच्ची बिगड़ गई है। पंजाबी वालदा, अपनी फुप्पी दे गई है कमीनी। हकीकत में आप चाहे कितने ही खौफनाक क्यों ना हो, बंदे को प्रोफाइल पर तस्वीर अपनी ही लगानी चाहिए। बीवी गुस्से से, क्या कर रहे हो? शोहर गुस्से से, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियाँ मारी? शोहर, टोटल 5 मारी हैं, जिनमें से 3 मक्खियाँ और 2 मक्खे हैं। बीवी, तुम्हें कैसे पता कि कौन सी मक्खी और कौन सा मक्खा है? शोहर, 3 शीशे के सामने बैठी थी और 2 गोल्ड लीफ के सिगरेट पर बैठे थे। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप दूसरी तरफ मुंह करें और सेल्फी ले लें, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी। हकीकत कुछ और होती है साहब, समुंदर के किनारे गुमसुम बैठा हर शख्स पागल नहीं होता, वो शादीशुदा भी हो सकता है। टैंकी फुल होने के बाद ऊपर से पानी जाया होने से बचाने के लिए नीचे से टूटी खोल देना पाकिस्तानियों का इजाफी टैलेंट है। शेख साहब ने जेब कतरे को ऐन उस वक्त पकड़ लिया जब वो जेब काटने के बाद फरार होने वाला था। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? शेख ने पूछा। जेब कतरा बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना महंगा सूट पहन रखा है मगर जेब में 1 रुपया भी नहीं।